उसको हाँ, जैसे निश्चित कभी। रूप से इसके लिए हम सब चिंतित भी हैं कि जल नल योजना के कारण जो सड़कों को तोड़ा जाता है उसका रिस्टोरेशन होना चाहिए, और रिस्टोरेशन भी बहुत बेहतर ढंग से नहीं होने की भी शिकायत मिली है। आज ही मैंने इस संबंध में निर्देश दिया है कि अगर जल नल योजना का काम होने के बाद अगर सड़क को पूर्व की स्थिति में लाने में किसी प्रकार की कोताही हुई तो जो हमारे अभियंता हैं वे नापे जाएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज स्वनिशन। खबर है बिहार के कटिहार जिले से। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना को लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच अगर कटिहार की बात करें तो वहां पर पाइप बिछाने के बाद सड़क की मरम्मति नहीं की गई, इसी को लेकर शिकायत दर्ज की गई। अगर हम बात करें बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की, जो सह नगर विकास मंत्री भी हैं, उनके पास भी लोगों ने अपनी बातों को रखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले वक्त में जो भी अधिकारी कहीं से भी अपने कामों में लापरवाही बरत रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री, आप खुद उनसे ही सुनिए। हाँ, निश्चित रूप से इसके लिए हम सब चिंतित भी हैं कि जल नल योजना के कारण जो सड़कों को तोड़ा जाता है उसका रिस्टोरेशन होना चाहिए, और रिस्टोरेशन भी बहुत बेहतर ढंग से नहीं होने की भी शिकायत मिली है। आज ही मैंने इस संबंध में निर्देश दिया है कि अगर जल नल योजना का काम होने के बाद अगर सड़क को पूर्व की स्थिति में लाने में किसी प्रकार की कोताही हुई तो जो हमारे अभियंता हैं वे नापे जाएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। पटना में तो आज तीन बजे पार्टी कार्यालय है कि मैं वहाँ पर आइए। तीन बजे हम अभी सरकारी सेवा में सौरभ देते पटना।